Hi kids, welcome back to your English class and I am back with a new lesson of your English series, that is Literary Journeys and English Reader for Class 7 by Brainroot Publications. And today we shall begin with lesson number 13 of this book. And the title of the lesson is Counting the Stars. Kabhi tare ginke dekhe hain? Can we count the stars? Is it possible? No na? Because stars are uncountable. तारे तो अनगिनत होते हैं लेकिन क्या हमने कभी इनको गिनने की कोशिश करी है? देखते हैं, आइए आज हम एक ऐसे ही राजा की कहानी पढ़ेंगे जो तारों को गिनने की कोशिश कर रहा है। गोपाल भान, तेनाली रमन एंड बीरबल ऑल हैड वन थिंग इन कॉमन, दे वर ऑल विटी। गोपाल भान, तेनाली रमन एंड बीरबल, दे ऑल वर वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड दे ऑलवेज वर विटी। वो बहुत चतुर थे, ठीक है ना? अ विटी पर्सन इज समवन हु इज बोथ क्लेवर एंड अम्यूजिंग। थिंक ऑफ समवन अराउंड यू हु हैज द सेम क्वालिटीज। टेल द क्लास अबाउट वन सच इंसिडेंट वेयर यू फाउंड दैट पर्सन वॉज विटी। तो आपको अपने आसपास ऐसे ही किसी व्यक्तित्व को ढूंढना है जो बिल्कुल इन बीरबल या तेनाली रामन या गोपाल भाट जैसा बहुत इंटेलिजेंट हो और विटी हो, और फिर अपने क्लास में उसके बारे में बताना है, ठीक है? अब हम गोपाल भाट की कहानी पढ़ेंगे। राजा कृष्णचंद्र ऑफ नदिया वॉज अ क्वांड्री। ही हैड सेट एन इम्पॉसिबल टास्क बाय द विम्सिकल नवाब एंड ही जस्ट डिडंट नो व्हाट टू डू। What could the Nawab want with the length and breadth of the earth and for what matter with the number of stars in the sky? तो राजा कृष्ण चंद्र जो नदिया डिस्ट्रिक्ट, नदिया एक जगह है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वहाँ के राजा हुआ करते थे राजा कृष्ण चंद्र, और वो काफ़ी परेशान थे। उन्हें नवाब ने एक टास्क दिया था, एक काम सौंपा था कि पूरी धरती को नाप के उसका लेंथ और ब्रेथ बताओ और आसमान में कितने तारे हैं वो गिन के बताओ। अब राजा बहुत परेशान कि पहली बात तो ये काम होगा कैसे, और दूसरी बात नवाब को ये नाप के या जान के करना क्या है। इट्स जस्ट डिडंट मेक सेंस। व्हाई डिडंट ही आस्क फॉर द नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन द ओशंस और ग्रेन्स ऑफ द सैंड ऑन द शोर्स एज वेल। अब राजा कृष्णचंद्र जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि नवाब ने ऐसा अटपटा सा सवाल उनसे पूछा ही क्यों। The Raja demurred when the problem to measure the earth and count the stars was presented. The Nawab, however, had been adamant and said, "This is an order and you must obey." अब राजा ने काफ़ी कोशिश की नवाब को समझाने की कि इस तरह से नहीं गिना जा सकता। समुंदर का पानी, आसमान में तारे, ये चीज़ें हम नहीं गिन सकते। लेकिन फिर भी नवाब साहब जो है अपनी बात पे अड़ गए। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें मैंने ये काम दिया है और आपको ये काम करना ही पड़ेगा। अब बेचारे महाराज बड़े परेशान कि क्या किया जाए। सो इट वॉज दैट द राजा वॉज सिटिंग इन हिज कोर्ट यार्ड च्यूइंग अ पान एंड पोंडरिंग ओवर हिज बैड लक। जस्ट देन गोपाल भान एंटर द मैंशन। ही टुक वन ऑफ लुक एट द राजाज डिस्ट्रिक्ट फेस एंड सेड नथिंग कैन बीट दैट बैड, कम टेल मी व्हाट्स द मैटर एंड आई टेक केयर ऑफ इट फॉर यू। अब जब राजा बैठ के अपने घर के अंदर पान खा रहे थे और सोच रहे थे कि किस तरह से वो इस टास्क को पूरा करें, इस परेशानी से बाहर आए, तभी गोपाल भाड़ की एंट्री होती है। उन्होंने जब राजा को इतना चिंतित देखा, उन्होंने पूछा, महाराज क्या समस्या है, आप मुझे बताएं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ परेशानी लेने के लिए, आप सिर्फ मुझे समस्या बता दें, हल मैं ढूंढ के निकालूंगा। आह गोपाल, सेड द राजा सैडली, This time even you will not be able to help me. Those rascals, my enemies at the Nawab's court, have really managed to fix me this time and got the Nawab to set me an impossible task. अब राजा ने बहुत ही दुखी स्वर में बोला कि गोपाल, इस बार तो तुम भी मेरी मदद नहीं कर सकते। वो जो नवाब के दरबार में जो मेरे खिलाफ भड़काने वाले लोग हैं, उन्होंने नवाब साहब को मेरे अगेंस्ट में भड़काया है और इसीलिए नवाब साहब ने मुझे ऐसा काम दे दिया है जो कि हो ही नहीं सकता। अब मैं काम पूरा नहीं करूँगा तो फिर मुझे उसकी सज़ा मिलेगी। ट्राई मी, सेड गोपाल। सो फाइनली गोपाल ने बोला, आप मुझे समस्या बताएं तो सही महाराज, और बताकर तो देखें, क्या पता कोई हल निकल जाए।
Well, said the Raja, he wants me to measure the earth from side to side and end to end. As if that wasn't enough, he wants me to count the number of stars in the skies for good measure. अब राजा ने कहा कि अरे अब तुम्हें क्या बताऊं गोपाल, उन्होंने मुझे पूरे अर्थ को नापने का काम दे दिया है, साइड टू साइड एंड फ्रंट एंड बैक करके, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरीके से नाप के दिखाना है। और ये ही कम था क्या जो उन्होंने एक और काम दिया है कि आसमान में कितने तारे हैं वो भी मुझे उन्हें गिन के बताना है। नाउ टेल मी एनी वन हु वुड वॉन्ट्स टू डू सच थिंग। और राजा बड़े ही गुस्से से बोले, अब बताओ कौन ऐसी अजीब हरकतें करना चाहेगा, इस तरह के सवाल कौन पूछता है। ओह इज दैट ऑल, आस्क्ड गोपाल भान, यू डोंट वरी एट ऑल, जस्ट अपॉइंट मी एज योर ऑफिशियल अर्थ मेजर एंड स्टार काउंटर एंड आई विल डील विद द होल प्रॉब्लम। ओनली टेल द नवाब, सिंस इट इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क, इट विल टेक एट लीस्ट अ ईयर टू कम्प्लीट एंड अ मिलियन रुपीज टू एक्सपेंस मनी विल बी नीडेड। तो गोपाल ने कहा, बस इतनी सी बात महाराज, आप इतने से काम के लिए परेशान हो रहे हैं, अपनी सारी चिंताएं भूल जाइए, ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। हाँ लेकिन नवाब साहब को ये ज़रूर बता दीजिएगा कि ये काम काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इसको करने के लिए बहुत समय लग जाएगा, कम से कम एक साल लगेगा और साथ ही में 1,000,000 पैसा भी खर्च होगा। द राजा रेडिली एग्रीड, फॉर इफ द जॉब वॉज नॉट डन इट वुड बी गोपाल्स हेड, दैट वुड बी नॉट रोल नॉट हिज। ही वेंट टू द नवाब एंड गॉट गोपाल द टाइम एंड द मनी। फॉर अ होल ईयर गोपाल एंजॉयड हिमसेल्फ, ही स्पेंट द मनी ऑन डिलीशियस फूड एंड गुड थिंग्स। ही बिल्ट हिमसेल्फ अ फाइन हाउस एंड डेकोरेटेड इट एग्जीक्यूसिटली। ही एंटरटेन्ड हिज फ्रेंड्स लैविशली। अब महाराज निश्चिंत हो गए, वो नवाब के पास गए और उन्होंने बताया कि टास्क काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, इसीलिए मैंने एक आदमी को ये काम करने के लिए दे दिया है, लेकिन एक साल चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए और 1,000,000 पैसा। नवाब साहब ने जैसा कहा गया पैसा दे दिया। गोपाल ने वो पैसा लिया और अपनी लाइफ एंजॉय करने लगा, वो मज़े से खाना खाता, दोस्तों के साथ घूमता फिरता, अपने लिए कालीशान घर बनवाया, घर के अंदर सारी डेकोरेटिव चीज़ें रखी महंगी महंगी। इस तरह से एक साल धीरे धीरे बीत गया। एट द एंड ऑफ द ईयर द मनी वॉज ओवर, ही वेंट बैक टू द राजा जिंगलिंग द फ्यू कॉइन्स दैट वर लेफ्ट इन हिज पॉकेट एंड सेड विद अ वरीड फ्राउन, The job is much more complicated than I thought, so it will require another year besides another 1,000,000 rupees. अब गोपाल साल भर तो मस्ती करता रहा, साल का अंत होते होते जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास बचते वो लेके वो पहुँचा और महाराज को बोला कि महाराज ये काम वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे एक और साल चाहिए और 1,000,000 पैसा चाहिए, आप अरेंज करके दें। The Raja reluctantly petitioned the Nawab, who reluctantly agreed, and Gopal Bhan went back home once again to enjoy himself. अब राजा थोड़ा परेशान तो हुआ कि गोपाल कैसी बातें कर रहा है, पर फिर भी गोपाल ने जैसा कहा उन्होंने नवाब को इन्फॉर्म किया। नवाब ने जब गोपाल की बातें सुनी तो उन्होंने भी सोचा चलो एक और साल सही, उन्होंने पैसे भी दे दिए और एक और साल भी दे दिया और गोपाल वापस अपने घर गया और एक साल तक फिर से मज़े करने लगा। At the end of second year, Gopal got ready to present his result to the Nawab. When he was ready, he set off for the Nawab's court with a really curious retinue in attendance. There were 15 carts piled with high tangled and knotted string, followed by 5 sheep with really thick matted woolly hair. He led this curious procession into the Nawab's court and presented himself with a graceful bow. Up. दूसरा साल पूरे होने के बाद गोपाल तैयार होकर नवाब के पास गया और अपने साथ क्या लेके गया, 15 बड़े बड़े कार्ट्स में बड़ी बड़ी रस्सियाँ जो कि बंधी हुई थी, नॉट्स लगे हुए थे उन रस्सियों पे, उसे लेके और कुछ कार्ट्स में बहुत सारा ऊन, छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना ऊन के रेशे, उनको लेके गया और पहुँच गया। जब वो पहुँचा तो उसने बड़ी ही विनम्रता के साथ नवाब को अपना प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उसने कहा महाराज मैं आपका उत्तर लेके आ गया। अब नवाब साहब तो बड़े चौंक गए, उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। द नवाब वॉज क्वाइट पजल्ड व्हेन ही सॉ ऑल दिस।
आह सेड द नवाब, हैव यू कंप्लीटेड द टास्क? अब नवाब ने पूछा, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? इंडीड, आंसर्ड गोपाल कॉन्फिडेंटली. देन टेल मी, सेड द नवाब, हाउ लॉन्ग इज द अर्थ एंड हाउ वाइड इट इज? हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई? नाउ यू बेटर गिव मी द एग्जैक्ट फिगर्स, यू हैव टेकन लॉन्ग इनफ ओवर इट. अब नवाब ने गरजते हुए बोला, चलो बताओ अर्थ कितनी लंबी और चौड़ी है, लेंथ और ब्रेथ कितना है अर्थ का, और कितने तारे हैं, जल्दी बताओ, बहुत टाइम लिया है तुमने और बहुत खर्चा भी किया है. फिगर्स, आस्क्ड गोपाल, व्हाट फिगर्स? देयर वर नो फिगर्स इन अवर एग्रीमेंट, यू ओनली आस्क्ड मी टू मेजर द अर्थ एंड काउंट द स्टार्स इन द स्काई. अब गोपाल ने कहा, नंबर फिगर? नहीं नहीं महाराज, जब आपने मुझे काम सौंपा था तब ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी, आपने सिर्फ मुझे मेजर यानी नापने के लिए बोला था और गिनने के लिए कहा था, आपने मुझे कोई फिगर वगैरह की बात नहीं की. वेल, द अर्थ इज एज लॉन्ग एज द स्ट्रिंग इन द फर्स्ट 8 कार्ड्स एंड एज वाइड एज द स्ट्रिंग इन द अदर 7 कार्ड्स. तो उन्होंने बोला कि ये जो अर्थ है हमारी, पहली 8 गाड़ियों में जितना स्ट्रिंग है उतनी लंबी तो हमारी अर्थ है, और अगली 7 गाड़ियों में जितना रस्सी पड़ा है उतना चौड़ा अर्थ का चौड़ाई है, ठीक है. एज फॉर द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, दे आर एज न्यूमरस एज द हेयर ऑन दिस 5 वुली शीप. और अगर हम स्टार्स की बात करें तारों के गिनने की, तो वो उतने ही तारे हैं जितने कि इन 5 भेड़ यानी ये जो शीप हैं इनके बाल जो हैं, इनकी बॉडी पे जितने छोटे 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 बारीक बाल हैं उनको अगर गिना जाए तो हमें स्टार्स की गिनती भी पता चल जाएगी. द नवाब वॉज लेफ्ट स्पीचलेस एंड हैड टू रिवार्ड गोपाल 1 मिलियन ऑफ रुपीज. सो फाइनली नवाब कुछ बोल नहीं पाए, वो बिल्कुल चुप हो गए, क्योंकि ऑफकोर्स उन बालों को गिनना या उस रस्सी को लंबाई से गिनना ये पॉसिबल नहीं था. तो फाइनली उन्होंने सोचा कि गोपाल ने अपनी चतुराई के साथ शर्त तो पूरी कर ही दी है, उसके साथ बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए बेटर यही है कि चुपचाप उसको इनाम दे दिया जाए, और इनाम के तौर पे गोपाल को 1 और मिलियन रुपीज़ मिले, यानी कि गोपाल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ. सो सी हाउ यूजिंग हिज ब्रेन गोपाल गॉट द रिवॉर्ड एंड सेव्ड हिज राजा कृष्णचंद्र. Now it's time to do the glossary. Was in quandary, didn't know what to do. जब हमें पता नहीं होता कि क्या किया जाना चाहिए. Whimsical, whimsical means जो अपने thoughts को बदलता रहता हो. Someone who says anything without thinking, कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना या कह देना. Quandary means a difficult situation, एक मुश्किल परिस्थिति. Adamant means कोई बहुत ही जिद करने वाला व्यक्ति जो जिद्दी है और अपना मत बदलने को राजी ना हो. मैनेज मीन्स टू एबल टू डू समथिंग. डीमर्ड मीन्स डिलेड इन रिप्लाइंग यानी जवाब देने में विलंब करना. रिलक्टेंटली पिटिशन्ड एग्रीमेंट मीन्स अनविलिंग टू रिक्वेस्ट समबडी. ऑलराइट, क्लियर. एन एग्रीमेंट मीन्स किसी की बात को मान लेना. अ स्टेट टू एग्री समवन यानी कोई कुछ कह रहा है उसकी बात में हाँ मिला लेना. Okay, now let's move to the exercises. We have multiple choice questions in the comprehension part, so let's get started. First one, what similarities do you find among Tenali Raman, Birbal and Gopal? They are famous characters of storybooks. They were courtiers, they were members of royal court and known for their cleverness and wit, none of the above. So C is the correct. एक तो ये हमेशा राजा महाराजाओं के दरबार के सदस्य होते थे और ये अपनी बुद्धि और चतुराई की वजह से पॉपुलर हैं या फेमस हैं. सेकेंड, द राजा टुक गोपाल महान ऑन जॉब बिकॉज ही न्यू दैट ही वॉज ट्रस्टवर्थी, ही वॉज क्लेवर. इफ एनीथिंग वेंट रॉन्ग इट वुड बी गोपाल महान हु वुड बी पनिश्ड, नन ऑफ द अबव. सो सी, राजा को बहुत अच्छे से पता था कि गोपाल चालाक तो है लेकिन अगर कुछ गलती हो भी जाती है गोपाल से तो राजा को कोई नहीं पकड़ेगा, गोपाल को ही पनिशमेंट मिलेगी. लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन सेज द राजा वॉज पॉन्डरिंग ओवर हिज बैड लक एज ही वॉज अनेबल टू सॉल्व द टास्क, ही फाउंड द टास्क इम्पॉसिबल. द राजा डिडंट नो वॉट टू डू एंड से टू अदर्स, नन ऑफ द अबव. ही वॉज अनेबल टू do the task and he found the task impossible. So better is he found the task impossible. Okay.
Fourth one, the Raja was left with no choice other than to give Gopal Bhand the reward because Gopal Bhand's logic was unbeatable. Gopal Bhand had successfully completed the task. He loved or liked giving rewards to intelligent people, none of the above. So first one, गोपाल्स लॉजिक वॉज अनबीटेबल. हम उसकी लॉजिक को मैच नहीं कर सकते थे. सो विथ दिस वी आर डन विद द एक्सरसाइजेस. नाउ वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स. सो द राजा वॉज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. ऑल राइट, द राजा वॉज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. सेकेंड वन, गोपाल भांड लुक्ड एट राजाज डिस्ट्रेस फेस एंड डिसाइडेड टू help him with a solution. All right. Third, Gopal Bhand wanted 1 lakh to complete the task, 1,000,000 to complete the task. Okay. Aur saathi mein 1 year also. Ek saal aur 1,000,000. The Nawab was left speechless and had to reward Gopal with ₹1,000,000. Theek hai. Fifth, according to Gopal Bhand, the number of stars were equal to the number of hair on the 5 sheep's. 5 sheep's ki body mein jitna hair tha, to 5 sheep's. Okay. Next one, sixth, Nawab was left speechless. And seventh, Dash went back home. Who went back home? Gopal went back home. Alright. So I have discussed all the fill in the blanks with you. I hope ki aapne dhyan se suna hoga aur note kar liya hoga. So this is to be done on your own. आपको ये खुद करना है. Discuss मैंने कर दिया है लेकिन लिखेंगे आप खुद. All right, children. So with this we are done with the exercise. So another chapter from your book has been completed today. I will meet you again soon with a new chapter where something interesting like this we are going to study. So stay tuned for the upcoming video. Bye bye and take care.